नमस्कार, आप देख रहे हैं कानूनी यंग न्यूज। कानूनी यंग न्यूज से मैं रिजवान आलम नूरी, आज मैं मौजूद हूं अररिया जिला के फॉल्सगंज प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज अमारा में। आइए जानते हैं इसे अमारा के पैक्स अध्यक्ष मनोज कुमार मंडल से इनका परिचय और इनके पैक्स की समस्या। महोदय, कानूनी यंग न्यूज चैनल पे आपका स्वागत है। जी, स्वागत है आपका भी। ऐसा है कि जहाँ सबसे जरूरी चीज खाद की, जो लाइसेंस हर 3 साल को जो रिन्यूअल होती थी, वो रिन्यूअल प्रक्रिया को सरकार के द्वारा समाप्त कर किया गया है और खाद का लाइसेंस अति आवश्यक है और जिस पैक्स को PDS नहीं है, PDS भी दिया जाए। महोदय, आपके यहाँ जो गोदाम की व्यवस्था है वो 300 MT का है, क्या इससे इस पैक्स की आवश्यकता पूरी हो जा रही है? अभी तक तो खरीदारी पूरी हो जाती है। जी। महोदय, इस पैक्स को हरित कृषि यंत्र नहीं मिला, इसमें आपकी कोताही है या फिर सहकारिता विभाग की कोताही? नहीं, इसमें हम मना किए थे, हम लेने से इनकार किए। आप नहीं लेना चाह रहे हैं? महोदय, आप चाह रहे हैं लेकिन कि यहाँ की जनता को सही से अनाज राशन मिलने के लिए यहाँ की जनता को PDS का लाइसेंस हर पैक्स को होना चाहिए। PDS का लाइसेंस और खाद का लाइसेंस अत्यंत जरूरी चीज है। आपने प्रयास किया सर कभी उर्वरक के लाइसेंस के लिए? ये प्रक्रिया ही बंद कर दिया उर्वरक का लाइसेंस के लिए। प्रयास कोई रास्ता हो तो ना, प्रयास कीजिएगा। केमिस्ट्री ऑनर्स वाली बात जो है अब धीरे धीरे उसको हटाया जा रहा है और साधारण रूप से हर पैक्स के नाम से उर्वरक का लाइसेंस होगा सर। तो उसके लिए सरकार को धन्यवाद देंगे और किसान की जरूरत पूरी होगी, उससे पैक्स अध्यक्ष का भी मान सम्मान बढ़ेगा, किसान का भी काम पूरा होगा। महोदय, धान अधिप्राप्ति के इस कार्यकाल में आपके द्वारा कितने मेट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति हुई? अभी तक तो 6 लॉट मतलब 2500 कुछ क्विंटल का काम किया गया है। अभी फरवरी तक वक्त है खरीदारी करने का। पद पे आपको यहाँ का पैक्स अध्यक्ष बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं किसान भाइयों को जिसके द्वारा ये पद मिला। मैं हार्दिक दिल से उसका स्वागत करता हूँ और करते रहूँगा और 26 जनवरी का सूचना भी देंगे, जो हमारे पैक्स भवन के ग्राउंड में झंडोत्तोलन का निमंत्रण भी देंगे और लोग आएंगे। धन्यवाद। अभी आपने सुना जिला अररिया प्रखंड फॉर्बिसगंज के ग्राम पंचायत अमारा के पैक्स अध्यक्ष मनोज कुमार मंडल की विचारधारा एवं इनके पंचायत